बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा उन खगोलीय पिंडों में से एक है जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। इस जांच का मकसद यह जानना है कि इस खगोलीय पिंड पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। यूरोपा पृथ्वी के चांद से थोड़ा छोटा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी जमी हुई सतह के नीचे एक महासागर छिपा है। अब तक वैज्ञानिकों को जांच में मिले सबूत बताते हैं कि यह खगोलीय पिंड गर्म, नमकीन और जीवन को सक्षम बनाने वाले तत्वों से समृद्ध हो सकता है। यह पहले ही पता चल चुका है कि यूरोपा उपग्रह में ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि यूरोपा की ऊपरी सतह मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है। इसलिए पहले यह समझा जाता था कि बर्फ की मोटी चादर ऑक्सीजन को बर्फ के नीचे मौजूद महासागर तक जाने से रोकती है, परंतु एक नई रिसर्च में यह कहा गया है कि यूरोपा के समुद्र तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। रिसर्च का कहना है कि यह ऑक्सीजन को उसकी बर्फीली सतह के नीचे खींच रहा है। रिसर्च के मुताबिक यूरोपा के बर्फीले सेल में खारे पानी के पूल इसकी सतह से ऑक्सीजन को समुद्र तक ले जा सकते हैं। नए अध्ययन के अनुसार बृहस्पति के इस उपग्रह पर ऑक्सीजन की दर अपेक्षा से बहुत कम है, जो कि वहां एक एलियन लाइफ की खोज के लिए एक झटका है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन में नासा के बृहस्पति पर भेजे गए जूनो मिशन के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। पिछले अनुमानों में यह कहा गया था कि इस उपग्रह पर हर सेकंड 1000 किलोग्राम से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, परंतु नए शोध से यह पता चला है कि यह संख्या लगभग 12 किलोग्राम प्रति सेकंड ही है। यूरोपा की कक्षा इसे बृहस्पति के विशाल विकिरण बेल्ट के ठीक बीच में रखती है। गैस से आवेशित कण यूरोपा के बर्फीला सतह पर जमा हो जाते हैं, जो बर्फ और पानी के अणुओं को विभाजित करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। एक तरह से पूरी बर्फ की परत उस पर आने वाले आवेशित कणों की तरंगों से लगातार नष्ट हो रही है। आवेशित कणों की बमबारी से निर्मित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों का पता लगाया और मापा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जेमी सजाले ने एक प्रेस वार्ता में यह बात कही। सितंबर 2022 में जब नासा के जूनो ने यूरोपा के लगभग 350 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरी, तो अंतरिक्ष यान के जोवियन ऑरोरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंटल उपकरण ने आवेशित कणों की बमबारी से निर्मित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों का पता लगाया और मापा। नासा का अगला यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 में यूरोपा पहुंचने वाला है, जब यह अपने परिष्कृत उपकरणों के साथ जीवन के संकेतों के लिए जोवियन चंद्रमा की जांच करेगा।